करोड़ों की लागत से खंडवा बड़ौदा मार्ग बोराड नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण कार्य 4 वर्षों से अभी भी अधर में है। शासन को की गई तमाम शिकायतों के बाद कछुए चाल से उसका निर्माण किया जा रहा है, जबकि 26 सितंबर से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। वह माताजी मंदिर में 9 दिनों हजारों दर्शनार्थी दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। इसी पुल से मंदिर जाने का मुख्य मार्ग होने के कारण दर्शनार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एवं सबसे अधिक वाहनों की पार्किंग में दिक्कतें आएगी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। पुल निर्माण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लाल भाई फुलभाई माताजी की पावन नगरी सेगांव में नवरात्रि पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रि पर्व को लेकर पुल निर्माण जो चल रहा है माताजी के यहाँ पर, प्रशासन और शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि पुल निर्माण जो कि 4 साल से चल रहा है जो पूर्ण नहीं हो पाया है, शीघ्र पूर्ण हो, नवरात्रि में समस्या आएगी। क्या नाम लिखते हैं? मुकेश पटेल। से अधूरे पड़े पुल निर्माण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार अधिकारियों के बारे में भी हमने पुल का अधूरे निर्माण कार्य में समय समय पर मीडिया प्रभारियों द्वारा अवगत कराया गया है, फिर भी शासन का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। और चूंकि अभी 26 तारीख से नवरात्र पर्व चालू होने जा रहा है और देवी जी का स्थान बहुत प्रसिद्ध स्थान है और काफ़ी मतलब प्रतिदिन कम से कम हजार लोगों का आना जाना चलता है, वाहन भी आते रहते हैं, तो दुर्घटनाएँ न हो इसलिए शासन से निवेदन कि उनको अतिशीघ्र चालू किया जाए। क्या नाम लिखते हैं? राजन सिंह मंडोई से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।